24 की लड़ाई क्या वाकई अमेठी पर आई? यह कहानी सिर्फ अमेठी तक सीमित नहीं है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस या यूं कहें कि जो इंडिया गठबंधन है वो चौतरफा वार करने की तैयारी में है, यानी कि मसला अमेठी तक सीमित नहीं है। चार बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे, वो कौन से चेहरे और क्या वाकई ऐसा ही होगा? और ये चार चेहरे रणनीति के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो क्या 24 में तस्वीर बदल सकती है? मसला सिर्फ अमेठी तक सीमित नहीं है। सवाल उठा कि अमेठी, मणिपुर या वायनाड, राहुल गांधी कहां से हुंकार भरेंगे? आप कहेंगे कल तक तो बात वायनाड और अमेठी तक सीमित थी, अब यह मणिपुर कहां से आ गया? दरअसल मणिपुर के प्रभारी हैं भगत चरण दास कांग्रेस के। उनका बयान आता है कि मणिपुर से राहुल गांधी चुनाव लड़े तो ऐतिहासिक जीत होगी। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के दावों की होड़ मची हुई है। कोई कहता है अमेठी से लड़ लो, कोई कहता है मणिपुर से लड़ लो, और एक तर्क यही है कि वायनाड मत छोड़ो। राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर सियासी शोर तो मचा हुआ है, मगर 24 की सियासी बिसात पर क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल होने वाला है? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव अगर लड़ते भी हैं तो क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भले ही ये कह रहे हों कि राहुल गांधी चुनाव लड़ दें, प्रियंका गांधी जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस संगठन तैयार है। क्या इतना आसान है? 1999 का दौर, सोनिया गांधी चुनाव लड़ी अमेठी से, चुनाव जीत गई। 2004 में राहुल गांधी चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। 2009 और 14 में भी राहुल गांधी चुनाव जीत गए, मगर 2019 में तस्वीर बिल्कुल जुदा हो गई। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी। लेकिन कांग्रेस के भीतर और खास तौर पर इंडिया जो गठबंधन बनाए उसके भीतर यह शोर क्यों है कि उत्तर प्रदेश में नई रणनीति के साथ रण में उतरा जाए? और वो चार चेहरे कौन से हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज होगी आकलन के हिसाब से चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये बयान। चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। कि जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं, जो नहीं हुआ वो चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो, तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि वो 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको? स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग? तो वो जनता को एक वहां धक्का लगा है कि यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं उन्होंने, गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी, और ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें, उनसे कहें आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। और जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है,
वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे, वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। दोनों जो शख्स हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, एक तो अमेठी के भगोड़े बन गए, चुनाव हारने के बाद भाग गए और वो फिर आना चाहते हैं। अब उनको वो लाइसेंस अमेठी की जनता देती है या नहीं देती, तो मुझे बड़ी उम्मीद कम है। और ये पक्का है कि अब की बार अमेठी से उनकी जमानत जब्त होगी। जहां तक कि प्रियंका वाड्रा है, इनके परिवार ने अभी तक एक खिताब नहीं लिया था, वो था कि पहली दफे लड़ो और जमानत जब्त हो जाए। तो प्रियंका वाड्रा को मुबारक हो, वाराणसी चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा पहली दफे लड़ने का और पहली दफे जमानत जब्त होने का। तो दोनों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, यही उनके प्रमुख ने कहा है। कि हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है 26 पार्टियां हैं, उनके जितने MLAs हैं, जितने MPs हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे, और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी। और रही बात कौन कहां से लड़ रहा है, वो आने वाला समय तय करेगा। तो अब की बार राहुल गांधी कहां से उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर सियासी बहस छिड़ी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इंडिया वाले गठबंधन से आ रही है। अमेठी, मणिपुर, वायनाड, सब जगह से हुंकार भरने का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन क्या सियासत जैसी दिख रही है, पर्दे के पीछे वैसी ही हो रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम का हिस्सा अश्वनी चाही जी बन रहे हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, राजनीतिक विशेषक हैं। संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और राज शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप चारों मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत अपने परम मित्र के साथ करना चाहूंगा, अश्वनी शाही जी के साथ। शाही जी कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, सब बढ़िया। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि पूरा वक्त नहीं दे पाया था, इसका मुझे कष्ट है, और मैं चाहूंगा अपने मित्र को पूरा वादा अपना जो किया था उसे निभाऊं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे, अश्वनी शाही जी, सब जगह चर्चा यही कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक दिलचस्प खबर आ रही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये मालूम नहीं, लेकिन खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में चार बड़े चेहरे जो इंडिया वाला गठबंधन है वो लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। राहुल गांधी का जिक्र तो हो ही रहा है। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी उत्तर प्रदेश की सरजमी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप कहेंगे इसका आधार क्या है, आधार आगे मैं बताऊंगा। दूसरा बड़ा चेहरा जिसका जिक्र किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इसके इतर एक चेहरा और है, और वो चेहरा है नीतीश कुमार का। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी रण में दिखाई दे, कहां से? मिर्जापुर और फूलपुर, जो हमारे पास खबर आ रही है। अब कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन सर्वे चल रहा है इस तरह का। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों? इसका उत्तर यह कि जो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कर्नाटक वाला जोर दिखाते हुए कि दलित वोट बैंक खाते में आ जाए तो आसानी हो जाए, तो ये चार चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार,
शाही जी, जी जी, चक्रव्यूह रचा जा रहा है तो? अरे बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस के ये चेहरे यहाँ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। भाई राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े, लड़ते रहे, तीन बार हैट्रिक लगाया उन्होंने, 2014 भी जीते, 19 में आकर स्मृति जी ने उनको हरा दिया 50,000 वोटों से, ठीक। और जैसे ही हारे उसके पहले वायनाड से फिर साथ में जीत गए। वायनाड में जाकर उन्होंने क्या भाषण दिया कि उत्तर भारत के लोग तो बेकार हैं, वहां की राजनीति बेकार है, यहां की राजनीति अच्छी है, और हारने के बाद दो बार भी नहीं आए, ये भी वहां की जनता ने देखा है, अच्छी बात है। 19 में पूरे कांग्रेस का यहां पर वोट परसेंटेज 6.6% था, जो कि घटकर 2022 में 1.25% हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए बड़ा शानदार चीज है। अमेठी रायबरेली तो भाई वहां के लोग खानदानी मानी जाती है सीटें, वहां पर संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी, कैप्टन सतीश शर्मा, सोनिया जी, राहुल जी, सारे जी वहां पर आए और जीते और लोगों ने जो है सम्मान किया। मगर इतना सम्मान देने के बाद और दक्षिण भारत में पहुंचने पर यही के लोगों का अपमान भी लोगों ने देखा। दूसरी बात नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार जी की ये चर्चा सुनने में आ रही है, लेकिन हमने तो ये सुना है कि मिर्जापुर से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। मिर्जापुर से अनुप्रिया जी हैं, मजबूत अपने आप को, जिस बिरादरी से वो आते हैं उस बिरादरी से वो हैं, मिर्जापुर और मुझे तो नहीं, अब फूलपुर भी कोई दिक्कत नहीं हमें, मैं तो एक एक चीज का वो कर रहा हूं जो आपने सवाल पूछा। तो उत्तर प्रदेश में बहन जी के नाम से विख्यात थी मायावती जी, जी दूसरी दीदी जी के नाम से और बहन जी के नाम से विख्यात है अनुप्रिया जी। कुर्मी वोट में उनका जितना बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, मुझे तो लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी उनके खिलाफ लड़ गए तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, इतना मैं श्योर हूं। बाकी मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूं, बाकी फूलपुर वहां से तो फूलन देवी भी चुनाव जीती है ना। हाँ फूलन देवी भी चुनाव जीती है, उसमें कोई वो नहीं है। तो फूलन देवी में और इनके में बड़ा अच्छा है, मतलब मैं तो चाहता हूँ यानी नीतीश कुमार जो मैं एक अब आपने फूलन देवी का नाम लिया तो मैं उस पर एक सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे मेरे दिमाग में आ गया अचानक जी, कि भाई फूलन देवी हमारे देश की सांसद थी, बहुत अच्छी बात है, और हमारी अनुप्रिया जी भी आज देश की सांसद है और देश की बेटी है, दोनों देश की बेटियां हैं, लेकिन हर माँ चाहेगी कि मेरी कोख से फूलन ना पैदा हो और हर माँ चाहेगी कि अनुप्रिया पैदा हो, ये दोनों में इतना फर्क है जो आपने फूलन देवी का नाम लिया था। तीसरी बात, फूलपुर लड़े कहीं लड़े, फूलपुर में क्या जनाधार रहेगा क्या रहेगा वो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने जन कल्याणकारी नीतियों के कारण 80 की 80 सीट हम लोग जीतने का इस समय दावा, यानी आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी अगर अमेठी लड़े भी तो कोई फायदा नहीं होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो फिर हारेंगे फिर यहां से जाएंगे। और आप देख लीजिएगा आपका शो, आपने देखिए पिछले शो की बात याद रखा आपने, मैं आपको नमस्कार करता हूं, बड़प्पन है आपका, नहीं आप इसको कहा नहीं, आप मेरे मित्र हैं, अगर नाराज होंगे तो मुझसे ही होंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं, अरे सर शो में नाराजगी एक घंटे आधे घंटे बाद धुल जाती, कोई नाराजगी थोड़ी होती है, आप हमारा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी, नहीं नहीं शायद प्लीज, ये तो विचारों की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम 50% की बात करते हैं कि हम लगभग 50% हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 19 में वोट लिया था, और एक बहुत बड़ा बेमेल प्रयोग हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बेमेल प्रयोग हुआ था भाई, ये लोग उसके बाद से नहीं हट रहे थे लेकिन जुटे, क्योंकि 17 में दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज प्राप्त किया था, तो इन लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं दे सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने किया, लेकिन वो भी प्रयोग इनका फेल हो चुका है। तो आप चाहे नीतीश जी आ जाएं या खड़गे साहब आ जाएं, इस बढ़ोतरी में खड़गे साहब को उत्तर प्रदेश ले आकर चुनाव हरवा कर उनकी बेइज्जती कांग्रेस कराना चाहती है, ले आए स्वागत है, कोई दिक्कत। लेकिन जिन्हें आपने हारा हुआ माना था कर्नाटक में, उन्हीं दलित चेहरे ने चुनाव जितवा दिया खड़गे साहब की अध्यक्षता में, और आप कह रहे कि इस उम्र में उनको परेशान किया जा रहा है, ये तो उनका, अरे मैं दावे के साथ कहता हूं तिलक जी, आप देखिए बहुत अच्छे प्रस्तोता है और सभी चीजों की पकड़ रखते हैं, आप बता दीजिए कि खड़गे साहब कितने दलित वोटों पर कर्नाटक में, पूरे राज्य की मैं बात करता हूं, अपना होल्ड रखते हैं, वो जननेता नहीं है, उनकी वो स्वीकार्यता नहीं है जो अन्य लोगों की है,
जैसे कि मायावती जी की, मैं मान सकता हूँ एक बात, प्रियंका जी की मान सकता हूँ, इनकी क्या नाम है, लेकिन खड़गे साहब की दलितों में मतलब राजनीति का जो पकड़ रखने वाला है सब जानता है कि कितनी पकड़ है कितनी नहीं। जी ठीक, राज शर्मा जी ये कहने, चाहे खड़गे जी को ले आओ, चाहे राहुल जी को ले आओ, चाहे प्रियंका जी को ले आओ, आपको होना है चारों खाने चित। क्या ये वाकई में सच है जिसका जिक्र मैंने किया कि आप लोग चौतरफा उत्तर प्रदेश में हमला करने की कोशिश में है, सियासी हमला बीजेपी पर, क्या ये सच है? नीतीश कुमार, खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। तिलक भाई मैं एक चीज बता दूं पहले जी, कि पहली बात तो चाहे अश्विनी साय साहब हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, ये कोई सर्टिफिकेट की सुई अथॉरिटी नहीं। और दूसरी बात जो मुझे थोड़ी सी पिच कर गई और दर्द हुआ, अश्विनी साय साहब की बात, ये बात सही कह रहे हो, कोई मां नहीं चाहती कि फुलन बेबी जैसी बेटी हो, लेकिन शायद कोई मां ये भी नहीं चाहती होगी कि मेरी बेटी के संग साथ साथ आठ आठ आदमी रेस करे। और मैं कहता हूं आपसे अश्विनी साय साहब, आपसे नजर मिला के अगर मां मां की किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए उसे फुलन देवी से भी बड़ा बनने का दिखता। फुलन देवी ने किसी आदमी को नहीं मारा, मगर ये आपका आपकी पार्टी का चरित्र दिखता। आपने जैसा महिलाओं के बारे में सोचते हो, जैसा पिछले कई महीनों में महिलाओं से जो अत्याचार हुए उस पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड था वो सब ने देखा। अब आ जाए यहां चौथी बात, मैं आपसे अगर ये कह दूं कि प्रधानमंत्री जी की तो बनारस में भी स्वीकार्यता नहीं है, वो क्या उन्होंने फाइनेंशियल एमेजरमेंट किया? मैं कहता हूं प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी वहां से जब सांसद चुने गए उसके बाद प्रधानमंत्री बने, जिस शौचालय का उद्घाटन वहां का एमएलए और मेयर कर सकता था, जिस खड़ंजे का उद्घाटन वहां का मेयर या एमएलए कर सकता था वहां पे प्रधानमंत्री जी गए, ये भी उनका खर्चा ज्यादा हुआ। ये किसकी जनता का पैसा था? ये गरीब जनता का पैसा था, चाहे साहब मेरे जैसे गरीब का दो रुपए इनकम टैक्स था। राज जी, आप तो अमीर आदमी है, क्या वाकई में आप लोग बनारस से मोदी जी के खिलाफ प्रियंका गांधी को उतारने पर विचार कर रहे हैं? ये बात सच है? मैं एक बात कह दूं जी, आज जो कह रहा हूंगा आप सबको हंसी भी लग सकती है, लेकिन ये भी उम्मीद जताओ कि कोई प्रधानमंत्री जी को हराना है और वो हारेंगे, चाहे वो दो वोट से हारे, आप तारीख समय नोट कर लीजिएगा। और उनको हराएगा कौन बताऊं जी? कोई प्रियंका गांधी जी हो या कोई नेता वहां से लड़े, बल्कि उनका लड़ाएगा, उनको जो हराएगा प्रधानमंत्री जी का अहंकार हराएगा। मैं अश्विनी साय साहब से भी एक बात कहूंगा, हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी मेरे लिए बहुत मान्य है क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री है। आपने अभी चार दिन पहले तीन दिन पहले ऋषि सुनक साहब की एक पीस सुनी, जय सियाराम, कितना हंस के बोल रहे थे, उनके चेहरे में कोई गुस्सा नहीं था, विरोध नहीं था, अहंकार नहीं था। राज जी मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, क्या वाकई में, क्योंकि सलाहकार मायने रखते हैं ना, प्रियंका गांधी का पहला ही चुनाव और आप कहें कि मोदी जी के खिलाफ लड़ लो, समझ लो मेरी बात, मैं इसलिए आपसे बार बार ये बात पूछ रहा हूं, क्या वाकई आप लोग कोई अमर बेल खाके तो पैदा नहीं हुए क्या? अरे जब अटल बिहारी जी बलरामपुर से हार सकते हैं, हाँ इंदिरा गांधी नागालैंड से हार सकती है, बिल्कुल सही कहा आपने, राहुल जी जी नहीं, इंदिरा गांधी भी तो हारी ना चुनाव। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए जी, प्रियंका गांधी कहां हार गई? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर फिर आप इतने मजबूत कैंडिडेट के सामने रण में उतार देंगे और फिर आप कहेंगे कोई सेफ सीट ढूंढिए ना, बता दूं आपको ये मजबूत तो रायबरेली ठीक तो है मामला, कितने अंदर से खोखले हैं प्रधानमंत्री जी, कितने खोखली है भारतीय जनता पार्टी है, ये आप भी जानते हैं, अगर जब आप आत्मा की आवाज सुनेंगे सब जानते हैं। हाँ आप, मैं दो बातें बताना चाह रहा हूं, मेरी बात दो बात सुन लीजिए, अभी किसी चैनल पे मैं बात कर रहा था, इनके प्रवक्ता ही नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के कि 30 से 35 सांसद उत्तर प्रदेश में निकम्मे हैं, निकम्मा सब का हूं, जिससे मैं आपत्ति करता हूं किसी सांसद को, हमें निकम्मा नहीं कहना चाहिए, का उनके टिकट बदले जाएंगे। अरे मैं अंजुम साय, मेरे से कहा है अंजुम साय भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे से कहा है मैं निकाल दूंगा वो टिकट, सुन लीजिए मैंने उनसे एक सवाल करा और आज अंजुम साय साहब से भी एक सवाल है, उन 35 जो सांसद निकम्मे हैं क्या मेरा सब क्या है, क्योंकि मैं सम्मान बात कर रहा हूं, क्या वाराणसी के सांसद भी निकम्मे, पायलट जी वाला ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्लियर
क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट शायद प्लीज जल्दी से निकल दिए और परमवीर जी के पास जाना। क्या ये मसला है कि आपके सिटिंग 35 विधायकों 35 सांसदों के टिकट कटने वाले उत्तर प्रदेश में सिटिंग 35 सांसद टिकट कटेंगे? हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, टिकट कट भी सकता है, मिल भी सकता है, कोई वो नहीं। हम लोग हमेशा एक अच्छी चीज करते हैं। और फिर देखिए, गुजरात में 99 सीट पर हम थे, उसके बाद पूरी सरकार बदल दी हम लोगों ने, लोगों ने बड़ा उपहास उड़ाया। और गुजरात में जो मेजोरिटी मिली है फिर उसका आनंद भी सबने लिया, सबने उपहास उड़ाया कि भाई उसमें तो संजीव निगम जी को क्रेडिट जाता है ना बहुत बड़ा। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप क्या वाकई में ऐसा है कि आपके सांसदों के टिकट कटने वाले हैं 35 सांसदों के उत्तर प्रदेश में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कहीं कोई सूचना नहीं है। लेकिन पता नहीं राज जी को कहां से सूचनाएं मिल जाती हैं। राज जी ने कहा ना, वो निकम्मा जो है पायलट साहब को कहे थे ना, अभी मेरे से चैनल अभी आपको अगर कहोगे मेरे से इसी डिबेट के किसी चैनल पे अरे कहीं मेरे से सुना दीजिएगा, आपको सुना दीजिएगा, निकम्मे हैं उनका टिकट काटा जाएगा। अगर 30 से 35 सांसद आपके उत्तर प्रदेश में निकम्मे हैं तो क्या मेरा सब्जेक्ट क्या भाई? निकम्मा किसने कहा? निकम्मा तो गहलोत साहब ने पायलट साहब को कहा था। अरे भाई क्या कहना है, निकम्मा कहाँ की हो रही है? कामचोर साहब सब उधर कहा था आपको भाई, कहाँ रहा भाई आप? ये अच्छी बात है यार, इधर उधर से बैठे हो, बात यूपी की हो रही है। नहीं नहीं, गहलोत साहब ने कहा था क्या? आपके प्रवक्ता ने कहा, आपके प्रवक्ता ने मेरे से कहा है ना, गहलोत साहब तो बड़े नेता, उनका तो दुनिया ने देखा। निकम्मे काटा जाएगा। राज्य क्यों बीपीआई कर रहे हो? एक मिनट, मेरे कार्यक्रम में नहीं, आराम से चर्चा हो रही है ना, बहस तोड़ना कर रहे हैं हम। अश्वनी शाह जी पता नहीं क्यों बीपीआई करवा देते हैं। एक मिनट राज्य क्यों, राज्य मूछों को ताव दो अपना, आराम से हाँ ठंडे होके चर्चा करिए। इतना गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे ऐसा नहीं करते। मैं बोल देता हूँ शाही जी, मेरे मित्र हैं शाही जी, आप ऐसा मत बोलिए, क्यों उनकी दुखती रख पे हाथ रखते हो? अभिनंदन को डंके की चोट पर वापस लाए थे, यही पूछे थी अभिनंदन की, जो हम लोग वापस लाए थे। राजभाई ऐसे ही हो जाते हैं। ओके ओके, गुस्सा नहीं राज्य, गुस्सा नहीं, एक मिनट शाही जी भी इतना दुखती रख पे हाथ रख देते हैं, इतना आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे गहलोत साहब ने बोला था सचिन पायलट को, तो वही तो बोल रहे थे वो, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? वो तो याद दिला रहे थे आपको। एक मिनट रुकिए ना संजीव जी, ये सियासी तूतू में तो चलती रहेगी, लेकिन आपका खेल तो समझ में ही नहीं आता, आपकी लीला ही नहीं आ रही है। मतलब आपकी लीला अपरंपार है, मतलब केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहेंगे क्यों चावला जी, निगम जी एक मिनट, एक कुछ दिखा दूं मैं? हाँ, दिखा दे, देख रहे हो। ये हमारे निगम जी को केजरीवाल जी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना छत्तीसगढ़ की। भगवंत मान साहब केजरीवाल जी, इन्होंने ट्वीट किया, बोले कि छत्तीसगढ़ में बदलाव जरूरी है, छत्तीसगढ़ में राजीव बुरा मत मानिएगा, छत्तीसगढ़ में बदलाव जरूरी है, छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। ये मैं समझा नहीं कैसा बदलाव होगा छत्तीसगढ़ में, माय डियर फ्रेंड संजीव निगम जी। देखिए हाँ, क्यों नहीं बदलाव होगा, जब पंजाब में बदलाव हो गया हाँ तो छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है? छत्तीसगढ़ में बदलाव कर दोगे? क्या दिक्कत है, क्या नहीं, कैसे करोगे मुझे बताओ, कैसे करेंगे? हाँ अरे भाई वहां के लोग करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? क्यों करेंगे, भूपेश सरकार को क्यों हटाएंगे बताओ भाई? वहां के लोग अगर पसंद करते हैं कि हमें कोई दिल्ली वाली सुविधाएं मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है चेंज करने में, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, भूपेश सरकार से दिक्कत क्या है ये बताओ आप भाई। सवाल ये, आप एक तो तुलना उसको उससे मत करिए, आम आदमी पार्टी को इंडिया से, इंडिया जो बना है गठबंधन, ये गठबंधन लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में देश की जो परिस्थितियां है, हाँ, जो देश की है, उसको किस प्रकार से उसमें बदलाव की जरूरत है, वो कैसे कैसे होगा इंडिया गठबंधन वहां तय करेगा। लेकिन जो आप स्थानीय सरकारों की बात कर रहे हैं, उसका अलग, अरे भाई आप कमाल कर रहे हो चावला साहब। अच्छा, मतलब राज्यों में दुश्मन होंगे, केंद्र में जाकर जो है दोस्त बन जाएंगे। आप सुनिए, अरे अरे सुन तो लीजिए, सुनते नहीं, तकलीफ यही है। नहीं, मैं सुन रहा हूं। अरे सुन, आप लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, सबको एक लेवल में रख रहे हो। अगर उनका सबका एक लेवल हो तो अलग अलग दायरा क्यों रखा जाए?
सब ग्राम पंचायत के चुनाव का अलग मसला होता है, निकाय चुनाव का अलग होता है, ग्राम विधानसभा का अलग होता है, सबका एक तरफ ना अलग अलग है, सबकी चीजें अलग अलग है, एक दूसरे को आपकी बात समझ गया। यानी आप मुझसे ये कह रहे हैं, एक मिनट निकम जी, राजस्थान गए तो आपने वो क्या कहा गहलोत जी को, निकम्मा नाकारा डरपोक, राजीव बुरा मत मानिएगा, जो जो शब्द बोले उन्होंने मैं वही बोल रहा हूं केजरीवाल जी ने, और फिर अगले दिन जाकर जो है पटना में लिट्टी चोखा खा रहे थे। ठीक, अब आप चले गए छत्तीसगढ़, आपने कहा कि भूपेश सरकार को बदल देंगे, फ्री बिजली, फ्री सड़क, जो भी आपकी फ्री की योजना गारंटी है, अब आप कह रहे हो कि दिल्ली में आके सब कुछ ऑलिस, यही वाली कहानी है ना आपकी। मैं एक एक जन्म कुंडली बताऊं, भाजपा ने सरकारें संभाली है, किसने किसने क्या क्या कहा, क्या किसने किसने किसके लोगों ने क्या क्या कहा, और सब आज एक उसमें बैठे हुए नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का मसला है, छत्तीसगढ़ में आप भूपेश सरकार को क्यों हटाना चाह रहे हो, मैं आप देख रहा था वो कह रहे थे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क, सबसे महंगी बिजली। आप एक बात तो आप विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों से तुलना न करें, जो आप ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत पैरामीटर है। अच्छा गलत तरीके से नहीं, नहीं पैरामीटर नहीं सही है ना। नहीं तो आप करें तो रामलीला, और मैं सवाल पूछूं तो रासलीला। नहीं नहीं, आपका सवाल पूछना, आप जो सवाल पूछिए ना। नहीं तो मेरा करेक्टर कैसे ढीला होगा जब आपके बेटा जाके मन से कह रहे हैं कि भूपेश सरकार को हटा दूं। हां तो क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है, राज्य कोई दिक्कत तो नहीं, एक मिनट, राज्य कोई दिक्कत तो नहीं, भूपेश सरकार को हटा दो, सरकार को हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं अपनी कंपनी का हमाम साबुन बेचूंगा, मुझे दूसरे लक्ष्य का नाम नहीं लेना। आप मेरे से मेरी पार्टी का पूछिए, हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है, राजस्थान में तो सरकार बनाएगी दोबारा भी, मध्य प्रदेश में इन्होंने डकैती मारी वो भी छीन ली। राज जी, गुजरात में जो जख्म मिला था ना, जो शाही जी इतराते हैं, वो जख्म जो है इन्होंने दिया था आप लोगों को, मालूम है ना। ठीक है निगम जी, ओके, हाँ वाह, आप जाके छत्तीसगढ़ में मंच से भूपेश सरकार को घेरे और मुझसे कहे तू सवाल क्यों पूछ रहे हो तिलक चावला। क्या कहाँ से दो दो करेक्टर ले आते हो आप निगम जी, अरे सुनिए तो, ये तो डबल रोल आप तो सुनिए, जो ये समय है ना, समय परिवर्तनशील है, जिसने भी गलती की है, जिसने भी कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जिसने गलती की है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब आपको वो समय याद दिलाओ, हाँ। जब मोदी साहब को जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अमेरिका में कहा जा रहा था कि इनको हम प्रवेश नहीं करने देंगे, आज समय बदला, आज अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत बढ़िया बात कहा आपने, तो समय जो बदल लेगा, जो समय बदलेगा, समय पर तरीके से विधानसभा चुनावों को, नगर पंचायत चुनावों को अगर सबको आप एक लेवल कर लो तो मैं मान जाऊं, अरे दोनों के स्टेटस अलग अलग है, यू शुड नेवर कंपेयर वन टू अनदर। भाई आप अभी समय लोकसभा की बात करें, लोकसभा में हमारे जो इंडिया परमवीर जी, अच्छा ठीक है निगम जी, निगम जी, ओके ओके, गुस्सा मत होइए, एक मिनट परमवीर जी, जो बात निगम जी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप क्यों कंपेयर कर रहे हो, हमारी मर्जी हम छत्तीसगढ़ में जाके कुछ भी बोले, भूपेश सरकार के खिलाफ बोले, हमारी मर्जी हम राजस्थान में जाके किसी को निकम्मा नकारा डरपोक बोले, हमारी मर्जी, शाम को उन्हीं के साथ बैठकर चाय पियेंगे, टी पार्टी, हमारी मर्जी। लेकिन ये सियासत का जो डबल रोल है, दिल्ली में आप कहेंगे कुछ और, इंडिया इज द बेस्ट, और राजस्थान में जाकर कहेंगे डरपोक निकम्मा, और छत्तीसगढ़ में कहेंगे कि उखाड़ दो सरकार, ये सियासत का डबल रोल नहीं समझ पा रहा मैं। परमवीर जी, तिलक जी, एक शेर सुनाना चाहूंगा मैं आपको, लाइनें कुछ ऐसे हैं, अब जो चेहरे से जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बाद की बात, अब तो मुश्किल है इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे, नया नवेला INDIA ब्लॉक बनता है, और डेमोक्रेसी को बचाने की बातें हो रही है, देश को खतरे से निकाला जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका स्वागत है, देश की जनता के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, लोग तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बुद्धू मत समझे, हमें बुद्धू मत समझा जाए कि भाई लोकसभा में वोटर जो होता है वो बायस है, और
स्टेट के अंदर कुछ और है, तो मेरे को तो अजब उतरती नहीं और मेरे को क्या जनता में कभी नहीं उतरेगी ये बात, कदम नहीं उतरेगी। तो परमवीर जी यही तो बात मैं निगम जी से कह रहा था, जो राज्यसभा में माफ करिए जो राज्य में वोट डालेगा विधानसभा के चुनाव में वही लोकसभा में भी तो डालेगा ना, वही तो वोटर होगा या फिर दूसरा विदेश अमेरिका से आएगा वोटर। तिलक जी आज मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, इस बार अपने जो 2024 का चुनाव होने वाला है ना काफी हद तक इसमें कैंपेनिंग जो हो रही है ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की तर्ज पर हो रही है। बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज हैं जो विपक्ष और सरकार दोनों के लोगों ने हायर की हुई है और वो एक तरीके का रिटोरिक शब्द बोलते हैं छाती पीट के, मतलब क्रिकेट मैच से पहले या कबड्डी के मैच से पहले दोनों टीमों के जो सपोर्टर मैदान के बाहर खड़े होते हैं वो ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं जिससे सामने वाली टीम प्रेशराइज आ जाए। जैसे आप देखिए यूपी के अंदर आज सुबह से बहुत खबर चल रही है कि चार बड़े चेहरे कांग्रेस के आने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेटोरिक है। आप देखिए यूपी के अंदर इंडिया वाला जो गठबंधन बनाया मैं उसका जिक्र कर रहा था, लगी मैं उसी बात पर आता कि ये मतलब एक तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही है, जैसे प्रोडक्ट में होता है ना, प्रोडक्ट के साथ में भी करते हैं। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मैं लक्स बेचूंगा, मैं दूसरा साबुन नहीं बेचूंगा, तो ये राजनीति साबुन और उसमें ही घुस गई है। नहीं एक बात मुझे बताइए, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाकर कह रहे हैं कि सरकार को उखाड़ के फेंको, ये निकम्मी है ठीक, और हमें ले आओ, और फिर ये कह रहे हैं राज्यसभा राज्य बार बार राज्यसभा निकल रहा है, राज्य के भीतर जो चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव अलग होते हैं, तो फिर जहां पर इन्होंने विधानसभा के चुनाव में कहा कि इनकी सरकार उखाड़ के फेंक दो, लोकसभा में जाएंगे कहेंगे कि नहीं हमारी सरकार बनाओ, मतलब कि कांग्रेस को वोट दो, ये बातें कैसे अलग हो जाती है। तिलक जी आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है शूट एंड शूट, हमला करो छापामार युद्ध लड़ते हैं राजनीति के अंदर भी। अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कांग्रेस की अलका लांबा जी ने कह दिया था कि दिल्ली की तो हम सातों के सातों लोकसभा अलग अलग कांग्रेस जीत जाएगी, तो केजरीवाल जी ने उसका जवाब दिया है यहाँ पर आकर। ये एग्जिट पॉइंट तो नहीं देख रहे कहीं कि कहां से हम निकल जाए। तिलक जी कुछ भी पॉसिबल है, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए मैं बुरा नहीं करना चाहूंगा लेकिन आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है तो नई पार्टी है, अभी पुरानी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल मतलब इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, नहीं गारंटी, ये तो गारंटी दे रहे हैं। वही बात तो देखिए ना, कांग्रेस के बारे में कसमें खा खा कर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे। नहीं कसमें टूट जाती है, टूट गई तो टूट गई, क्या हो गया, टूट गई तो टूट गई। हाँ निगम जी एक लाइव में कमेंट आ गया क्योंकि परमवीर जी ने शायरी कर दी थी, वो कह रहे एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं वो तो वही जानेंगे किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको एक चुनावों को दूसरे चुनावों से तुलना नहीं करना चाहिए। केंद्र में आप देख रहे हैं ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार है, लेकिन केंद्र में जो बैठी सरकार है उसको उसका मतलब ये सरकार नहीं है, इसको चुन करके लोगों ने नहीं भेजा। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन जो राज्य में आप जा रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में आप गए ना छत्तीसगढ़ में, कहे आपने कहा भूपेश सरकार को हटा दो, ठीक उदाहरण के तौर पर, जब केंद्र का चुनाव होगा, एक मिनट जब 24 का चुनाव होगा तब क्या बोलोगे कि कांग्रेस को वोट दो? सुनिए तो, तब हम क्या बोलेंगे, इंडिया को वोट दो, इंडिया को वोट दीजिए। अच्छा। हम ये बोलेंगे जो हमारे जो भी गठो इंडिया का, वहां पर आपको कौन खड़ा होता है आपको भी मालूम है जी, अभी आपको मालूम नहीं है वहां, नहीं आपका तो मसला दिल्ली और पंजाब तक सीमित है ना। नहीं अरे भी कहा हो भाई, अजीब बात है, आपने फैसला अभी से कैसे कर लिया दिल्ली और पंजाब में, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, कहां कहां क्या क्या संभावनाएं होंगी ना अभी मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ना तो मैं उस कमेटी का मेंबर, नहीं तो आपकी पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, यहाँ एक भी सीट पर जमानत सारी की सारी जब्त हुई थी छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हुई, तो आपकी दिल्ली और पंजाब के बाद क्या हैसियत? आप अभी कह रहे थे जब जवाब दे रहे थे राज शर्मा जी की मोदी जी को हराएंगे इस बार, मोदी जी हारेंगे, आप करें तो जी कैसे हारेंगे वो, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार चुनौती ली थी ना, उसके बाद सुनिए तो हार गए। अरे भैया जब हम कहां गए बताओ, आप लड़ोगे क्या केजरीवाल जी को, कहोगे कि जाके लड़ो मोदी जी के खिलाफ करने के लिए, इतनी हिम्मत है आप? ये हिम्मत दिखाई नहीं। हाँ तो आप दिखाई तो आप दिखवाए, दिखाओ ना फिर। हम सिर्फ इस बात से डर जाए, तो जब हमने पार्टी बनाई है, हमने मोर्चे लिए तरह तरह के मोर्चे, तो बोलो ना यहाँ से, बोलो मन से कि मैं एक मिनट रुको, आप ऑफिशियल प्रवक्ता है ना, एक मिनट रुके ना निगम जी, आप यहाँ से बोलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे नेता केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ लड़े, और जैसे सुनिए निगम जी बोलेंगे तुरंत ब्रेकिंग चलाइएगा, बोलिए निगम जी का नाम लिख के चलाइएगा ब्रेकिंग की उनकी ख्वाहिश है कि केजरीवाल चुनाव लड़े। मेरी इच्छा है भारत के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, बताइए चलाइए। मैंने कहा मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े केजरीवाल, मैं सुनी नहीं रहे, मेरी इच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, तो
मेरी इच्छा से हो जाएगा सबका, अगर हो जाए चला दीजिए। लेकिन राजजी कोई दिक्कत तो नहीं, वो कह रहे केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री मेरी इच्छा है, आपके सहयोगी गठबंधन की मैं एक बात कहना चाहता हूँ निगम साहब, आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, पर वक्ता एक ऐसी चीज होता है जो पार्टी में अगर थोड़ा सा ऊंच नीच भी हो उसका बचाव करे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता का कार्य मैं आंख से आंख डाल के मैं झूठ नहीं बोलूंगा और भगवान मुझे झूठ बोलने से पहले मार दे। और निगम साहब आप मेरे राज्य क्या सिखा रहे हो आप उनको, जहाँ पे थोड़ा सा क्या समझ रहे हैं आप, नौ सिखिया है क्या वो, मेरी बात आप पूरी नहीं करने देते हो तिलक भाई। तिलक भाई मेरी बात, मैंने 30 सेकंड मांगे आपने 8 सेकंड में टोक दिया मुझे जी। आज मैं फिर मैं गुस्सा होता हूँ तो आपके तो बीपी बढ़ गया। आज सुन लो मेरा कहने का मतलब है, नक्कालों से सावधान, अपनी अकल दौड़ाओ, अपना लक्ष्य रखो, मछली की आंख, आपको डगाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, आपको नहीं डगना है। समझ में आ गया ना निगम जी, अब जाके राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गाली मत देना सरकार को। I am not your teacher, मैं आपका टीचर नहीं बन रहा हूँ, उसके लिए सॉरी भी कह रहा हूँ, मगर फिर भी आप किसी के डोंट ट्राई टू बिकम इंजन सिग्नल बाय द गार्ड। इंजन कभी नहीं बनना है कि झंडी दिखाई वैसे चले, अपनी दिमाग से, हम प्रवक्ता हैं, अगर कहीं 19 हमारा नेता दिखे उसे 21 करना हमारा काम है। राज्य की ओर ट्रेनिंग दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता है वो। अरे अब मैं फिर अब मैं नहीं फंसता हूं किसी के जाल में, है वो नेता, सब नेता है। मैं तो चाहता हूँ अंजुम साय जी बन जाए। ठीक बात कह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, आपने इच्छा की बात पूछी तो मैंने बता दी, मेरी तो इच्छा है, मैं बाकी कुछ नहीं कहूंगा। ओके मैं आपको नाराज हूं तो ओके शाह जी, पहले आप फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। ओके शाह जी, सरकार नहीं, शाह जी ये तो मेरे से ही नाराज हो गए, राज जी भी और निगम जी भी कह रहे हैं। ओके एक भाई, मैं आपको ये दोस्त मानता हूँ, आप नहीं, आप भी मेरे परम मित्र हैं। नहीं सुनो, अंजुम शाह जी हमारे भी दोस्त हो गए। हाँ नहीं वो तो मुझे मालूम है कि डिबेट के बाद आप सब लोग एक हैं, मैं सब जानता हूँ। आप भी हमारे ही हो। नहीं मैं तो हूँ ही आप सब लोगों का, ठीक, लेकिन पहले जनता का हूँ। खैर शाही जी, विषय यही है कि अगर राहुल गांधी आ ही जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या वाकई कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि यह जिक्र किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो होगी, सबसे ज्यादा वक्त राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। देखिए अच्छी बात है अगर राहुल जी उत्तर प्रदेश को वक्त देते हैं, प्रियंका गांधी जी ने अभी वक्त दिया था, नारा भी दिया था, एक लड़की हूं लड़ सकती हूं, पंजाब का चुनाव आया वहां जाकर भूल गई, वो दूसरी बात है, मगर वो उन्होंने दिया था। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले राज भाई को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि दो बातें इन्होंने हंसने वाली कही, एक तो आपने निगम साहब को जो शिक्षा दी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अरे इनका संयोजक देश विश्व का सबसे बड़ा झूठा आदमी है तो कह रहा इनको जो है वो कर रहे हैं, आप ऐसी बात करेंगे। दूसरी बात अब मैं इसमें कहूंगा कि देखिए राहुल, एक बार केजरीवाल साहब आए थे 14 में चुनाव लड़ने तिलक जी बनारस, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े, 40-42 लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन जिसमें 40 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी और वोट जो है 5,81,000 के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी पाए थे, 3 लाख से कम वोट पाए थे 2,90,000 केजरीवाल जी और 75,000 कांग्रेस के अजय राय जी पाए थे। उसके बाद फिर 19 का चुनाव आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट बढ़कर हो जाता है लगभग 6,75,000 जी, अजय राय जी अपने वोट को दूना कर ले आते हैं 1,52,000 और शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की 1,95,000 करके ले आती हैं। दो बार लोगों ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से अभी राजभाई कह रहे थे उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि वहां से आएंगे और चाहे एक वोट से हार जाए हार, प्रधानमंत्री जी की वहां पर आपने दो बातें कही कि शौचालय का उद्घाटन भी करने आते थे, चाहे शौचालय हो या विद्यालय हो, सिर्फ मदिरालय नहीं हो दिल्ली की तरह, वहां पर उद्घाटन करने 35 बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें आसाम से भी वो राज्यसभा रहे और शायद गुजरात से या कहां से और कहीं से रहे मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर दो बार भी नहीं गए। अंतर देखिए, वो एक जन नेता की छवि माननीय नरेंद्र मोदी जी की है जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं
और अच्छा लगा कि आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, बेहतर है, आपका साफ कॉर्नर है उनके तरफ। मगर चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी, हमारा जो MY है ना, बहुतों पर भारी है, बहुतों पर। अगर कहीं पर आप कुल मिला के ये चैलेंज दे रहे हो कि केजरीवाल जी ने जो गलती की थी वो दोबारा ना दोहराए। नहीं, गलती क्या, प्रयोग किया होगा उन्होंने आकर, तो होता क्या, पहाड़ से लड़ने पर अपना ही सर फूटता है, दूसरे पहाड़ का नुकसान नहीं होता है। ठीक, पहले राज्य आपको निगम जा रहे हो, फिर परमवीर जा रहा हूँ, बोलिए राज्य क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अभी अंजुम साहे साहब ने कहा कि मदिरा का उद्घाटन कोई नहीं करता, लेकिन आप लोगों को एक बात चढ़ गया, उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश में मैंने कभी शराब दिखते नहीं देखा, अब लक्ष्मण झूला से 2.25 किलोमीटर में शराब मिलती है, 1 किलोमीटर में बार खोल दिया, हरिद्वार में जाओ तो एक बड़ा बोर्ड मिलता है, दुकान इधर है, क्या बात करते हैं यार, पूजा पाठ के शहर को आपने शराबी मंत्रालय बना दिया, ये पाप नहीं, आप कैसे कह रहे हैं अंजुम साहे साहब, इतिहास में शराब की दुकान का उद्घाटन कोई नहीं करता, लेकिन खुलवाने का श्रेय क्या है आपके, उत्तराखंड के मिनिस्टर ऋषिकेश से 1.5 किलोमीटर के अंदर शराब की दुकान चलाते हैं, दिल्ली में क्या किया इन्होंने, एक पर एक फ्री। छोड़िए, आपको मेरी बात का जवाब दीजिए, आपने ऋषिकेश को हरिद्वार को शराब का जवाब दे रहे हैं, अरे जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते, 1 किलोमीटर चलोगे खाली बॉटलें टकराती है, मैं उसका तस्दीक करवाऊँ, सबको चप्पे से जानता हूँ, उत्तराखंड का मिनिस्टर शराब की दुकान चलाता है ऋषिकेश में, हरिद्वार में पब खोल दिए, डांस बार चल रहे हैं, ये किसकी गवर्नमेंट ने चलाई, मुझे अंजुम साहे साहब इस चैनल पे जवाब चाहिए आपका, कौन चला रहा है शराब की दुकान, नाम आप भूल जा रहे हैं, वो अंजुम साहे साहब कोई दिक्कत नहीं हमारा, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, विषय आज एक के साथ एक फ्री का नहीं है, एक मिनट, निगम जी को क्यों घसीट रहे हो बीच में, ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, एक के साथ एक फ्री वाला मसला दूसरा चला जाएगा, एक मिनट निगम जी एक मिनट में आपके पास आऊं, ये जो बात कह रहे हैं कि पहाड़ से टकराओगे तो सर फूट जाएगा, क्यों पहाड़ से टकरा रहे हो, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पहले ही जख्म खा चुके हैं, फिर दोबारा बोल रहे हो कि लड़ो, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, इनको बहुत अच्छा अनुभव है, इनको जो ठोकर लगी है ना पहाड़ से टकरा करके, ये दो बार टकराए ना दिल्ली में, आज तक उसका जख्म ये भूल नहीं पाए, कौन राजी है अश्विनी जी, अरे सुनिए 2015 में जो इनको पहाड़ से टकरा करके गए, वो जख्म 2005 साल बाद 2019 में फिर इनको जो है 20 में चुनाव हुए फरवरी में फिर इनको मिला, वो जख्म ये भुला नहीं पाए, तो अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको पलट करके जो है संसद से कानून बनवाते हैं, ये है पहाड़ से टकराने का नतीजा, इनको जो अनुभव हुआ है उसको ये बयां कर रहे हैं। परमवीर जी, ये वाकई ऐसा ही है कि उत्तर प्रदेश में दलित नेता के तौर पर अगर हम जिक्र करें, या फिर उत्तर प्रदेश के जरिए समूचे भारत में एक संदेश देने की कोशिश कि खड़गे साहब उत्तर प्रदेश की जमीन से चुनाव लड़े, ताकि जो दलित वोट बैंक है उसको एक सियासी संदेश जाए, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मिर्जापुर या फूलपुर का जिक्र किया जा रहा है, और प्रियंका गांधी बहुत हद तक कहा जा रहा है कि वाराणसी, लेकिन वाराणसी नहीं रायबरेली में ही चुनावी रण में उतर सकती हैं, क्या वाकई ऐसा ही सियासी नजरिए से एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है? तिलक जी देखिए, चुनाव नजदीक है, कोशिश करी जाएंगी, करी देखी जाए, लेकिन जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी राज्य होता है, आप यूपी की बात करते हैं तो हम लखनऊ को यूपी नहीं मान सकते पूरा, आप लखनऊ में हमारी विधानसभा के आजू बाजू घूमे वहां पे आपको सारी पार्टियों के दफ्तर मिल जाएंगे, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सबके, यहां तक की कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया मार्क्सिस्ट का भी दफ्तर है वहां पर, तो दफ्तरों के ऊपर लगी हुई भीड़ ये चुनावी अनुमान लगाने के लिए काफी होती है, कितनी लोगों की आवाजाही है, प्रेस की कितनी आवाजाही है किस दफ्तर में। मैं गया था अभी रिसेंटली तो सब देखा, पहले मैं कांग्रेस के दफ्तर थोड़ा सा हटके, जानते होंगे आप, जानते ही होंगे दफ्तर, देखा होगा आपने भी, तो वहां पर बड़ी कम हलचल थी, नीतीश जी का दफ्तर थोड़ा सा बाजू में ही है वहां पर तो कुछ हो भी नहीं रहा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप यूपी की बात ना करें, किसी भी स्टेट की बात लीजिए, फिर आप लखनऊ के बाहर निकलिए, लखनऊ में तो फिर भी आपको हर पार्टी का बैनर झंडा दिख जाएगा, आप थोड़ा सा आगे आइए, सीतापुर की तरफ आइए, लखीमपुर में आइए, शाहजहांपुर में आइए, तो मैं मेरा पॉइंट कहने का यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रेजेंस वहां दिखाई भी नहीं देती है, वहां पे दिखाई देती है प्रेजेंस समाजवादी पार्टी की, भाजपा की और मायावती जी की पार्टी की, तो बाकी जो पार्टियां हैं इनकी प्रेजेंस दिखाई भी नहीं देती है, तो किस बिहाव के ऊपर आप जनता के बीच में अपील करेंगे कि हमें वोट दीजिए, ये पार्टियां ज्यादा बेहतर जानती होंगी। दूसरी बात मैं बोलूंगा, INDIA ये ब्लॉक बनता है,
INDI ब्लॉक जो यूपी में इनरोड मतलब अंदर आने का रास्ता बनाना चाहता है वो समाजवादी पार्टी के कंधों पर आएगा। उनका सारा अपैरेटस मशीनरी है, वो आप उनके साथ गठबंधन में आता है उनका मांग कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने हैवी वेट को आम समाजवादी पार्टी चाहेगी कि यूपी में आ जाएंगे, वो डायरेक्ट लॉस हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, भले वो जीत जाए। समाजवादी पार्टी पहले चोट खाकर बैठी हुई है। अगर नीतीश कुमार की एंट्री होती है तो फिर अखिलेश यादव तो साथ आएंगे ना। तिलक जी देखिए, अखिलेश यादव जी का भी इतना आसान नहीं है, उनको आखिरी मोमेंट तक क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता है। जैसे अभी आप पिछले चुनाव की बात देखिए, लोकदल के साथ उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी उनका कोलैबोरेशन था, गठबंधन था, तो उन्होंने सिंबल दिया मात्रू ने, कैंडिडेट अपना खड़ा करा, तो इतनी आसानी से वो परोस के थाली में नहीं दे देंगे नीतीश जी को। यानी कुल मिला के जैसे राज्य की पार्टी कांग्रेस है, दो सीटों से इतर अगर चुनाव लड़ेगी तो अखिलेश नाराज हो जाएंगे, यही कह रहे हैं। हैवी वेट उनकी जी, अगर हैवी वेट को उतारेंगे कि प्रियंका गांधी भी आने वाली है, राहुल गांधी भी आने वाले हैं, खड़गे जी भी आने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी जरूर प्रॉब्लम में आ जाएगी। और आम आदमी पार्टी, कुछ आप लोगों ने कुछ विचार किया है निगम जी, वहां पर कुछ सोचा उत्तर प्रदेश की जमीन पर? मैं भी उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, नोएडा से लेकर के लखनऊ अयोध्या तक, तो सब ऐसे ऐसा नहीं है किस तरीके से, लेकिन अभी जब लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे तो इंडिया के बैनर तले लड़े जाएंगे, यही इनको तकलीफ है। यहाँ पर अभी अभी से आप तो अपना अपना आकलन लगा रहे हो कि आम आदमी तो ये मिलेगा, जीरो मिलेगा, कांग्रेस को दो मिलेगा। अरे आप इंडिया की बात करिए, इंडिया को जो चुनाव हम लोकसभा का लड़ेंगे, इंडिया के बैनर तले लड़ेंगे, सबसे बड़ी मुसीबत तो इनको यही है, इसको ये हमारा अंदर का मामला है भाई, अंदर आप झांकने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको खुद बताएंगे, हम आपको खुद बताएंगे, आपको झांकने और ताकने की आवश्यकता करता ही नहीं है। अभी 20 जो 31 अगस्त होने को मुंबई में बैठक होने वाली है, उससे काफी कुछ तस्वीर आपको जो है क्लियर हो जाएगी आगे वाले चुनाव में किस तरीके से होगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि ये चुनाव 2014 में जो हुआ था या 2019 में हुआ था वो इस तरीके का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को अब सबक इससे सीखना पड़ेगा जो इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने बेचा है। आप कह रहे थे अभी राजीव बोल रहे थे कि साहब हम ये बेचेंगे हम अपना, अरे उन्होंने तो देश बेच दिया, उनको देश बेचने में कोई वो नहीं रहेगी, आसमान से लेकर के पाताल तक क्या चीज छोड़ी है। नहीं, प्रैक्टिकली बात बताइए, जब आपका आधार नहीं है, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, तो राहुल गांधी को कैसे जितवाओगे आप? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बात राहुल गांधी हो या कोई भी, अभी जब आप इंडिया की बात करिए, नए समीकरणों के हिसाब से राहुल गांधी तो लड़ेंगे ना, तो राहुल गांधी के लिए वोट नहीं मांगोगे? तो राहुल गांधी तो बोलूंगा ना सर। वो राहुल गांधी कहाँ लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वो तो सब तय होगा ना। अभी राहुल गांधी लड़ेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी लड़ेंगे कि प्रियंका बहन लड़ेंगे, कहां से कौन होगा वो बैठ करके, उसमें समय है। इतनी जल्दबाजी में जो है हम कोई जो है निर्णय नहीं लेते हैं कि जो है नहीं, जैसे परमवीर जी ने कहा कि ये इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि आप नहीं देखिए सवाल ये है भाई, जब नेशनल वाइड हम बात करते हैं तो तमाम सारे पहलू होते हैं, एक दूसरे को लोगों को जो है कहीं दबाना है, कहीं झुकना है, कहीं आगे बढ़ना है, लेकिन जब राज्यों की बात आती है, जब पालिका की बात आती है, जब म्युनिसिपैलिटी की बात आती है, तो सबको अलग अलग फार्मूले हैं। अच्छा, एक दूसरे को बिल्कुल आप लोग चुनाव के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, देश की सेवा करने के लिए है, देश के लिए। सर ये कौन सी सेवा है जिसको आप 10 दिन पहले 10 महीने पहले गाली दे रहे हो, उसी के लिए फिर जिंदाबाद भी कर रहे हैं? ये बदलने थोड़ी ना आए थे आप राजनीति में, ये इनसे पूछिए अश्वनी जी से, क्या पूछूं पार्टी आपकी, आपने कहा कि परिवर्तन लाएंगे, जिसको खुल खुल कर करके ठीक है सर देता है ना, वो जो पीला पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, क्या नाम है उनका, उसे पूछिए किस प्रकार से राजभर जी उसको श्लोक सुनाते रहे, वो श्लोक सुना रहे थे ना। हाँ। आओ जी श्लोक, वो श्लोक को सुन सुन करके बड़ा अच्छा लगा, इनको आपने आलिंगन कर लिया, ठीक किया ना आपने आलिंगन बस। ठीक निगम जी, एक तो, आपने कहा अश्वनी जी से पूछ लीजिए, ओके अश्वनी जी जल्दी से जवाब दीजिए जो बात निगम जी कह रहे हैं। देखिए अब निगम जी जो भी बात कहेंगे बड़ा अच्छा कहेंगे, हम मान लेते हैं इनकी बातों को, इनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं है, इनको आने दीजिए। पहले आपने कहा कि भाई ये लोग आपस में निपट लें फिर हमसे सवाल पूछने का वो करें, ये आपस में निपट लें, कभी ये जो है वहां जाते हैं। अभी देखिए दो तीन बातें और हुई हैं जो मैं निगम जी से मैं कहना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से कैंपेन चालू कर दी गई है, सोशल मीडिया से लेके और पता नहीं कौन सा नारा दे दिया गया है। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी बने,
राजभाई कह रहे हैं कि राहुल जी बने, पहले आप लोग अपना तय कीजिए, ये इंडी अलायंस जो है, ये इंडी अलायंस है, ये कितने दिन तक चलेगा, ये कितने दिन चलेगा। दूसरा जो भक्त चरण दास ने कहा था वो मामला हमको लग रहा है कि क्या कहते हैं दीपक चावला साहब भूल गए कि भक्त चरण दास ने जो कहा मणिपुर में आकर लड़ लें। अरे भाई लालू जी ने क्या कहा था याद है राज भाई, भक्त चोनर, भक्त चरण दास को याद है, भक्त चोनर का भक्त चोनर मतलब होता है स्टूपिड अंग्रेजी में अगर कहा जाए या हिंदी में मूर्ख कहा जाएगा। लालू जी ने वो कहा था, भक्त चरण दास जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़े शालीनता से जवाब दिया था कि लालू जी बड़े आदमी हैं, हमारा गठबंधन टूट गया है। तो आप लालू जी भक्त चरण दास जी ये सारे जितने लोग हैं ना, इन लोगों को मिलाकर चुनाव आप लड़े। मैं कह रहा हूं कि जो अगर ये 60 सीट है ये 70 हो जाएगी आपकी, 50 जो है वो 60 हो जाएगी, इससे ऊपर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। और जो हमारे भाई हैं निगम साहब, ये छत्तीसगढ़ जाएं, ये कहीं जाएं, ये कभी भाजपा की बी टीम हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ गलबैया करते हैं, कांग्रेस कहती है ना भाजपा की बी टीम है, हर जगह कहते हैं, तो ये क्या स्थितियां परिस्थितियां ये लोग बना रहे हैं। मेरा एक जो है आकलन था है और आगे भी रहेगा, डाला नहीं डाला, ये इंडी अलायंस ये क्या जो लोकसभा चुनाव के पहले टूट जाएगा, योगी जी के खिलाफ और ये लोग बिखर के फिर बाजार में झगड़े चल रहे नहीं चल रहे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप योगी से झगड़ा चलता नहीं चलता, एक मिनट हमें सिखा रहे हो, एक मिनट राज जी गुस्सा नहीं, आज इतने प्यार से डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, आप सबको मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का, एक मिनट रुकिए ना सर। पांच स्टेट का नाम मैं ले रहा हूँ चावला साहब, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पांच स्टेट लगभग जो है इसमें 210 या 220 सीटें आ जाएंगी ये पांच स्टेट में। पांचों स्टेट में राज शर्मा जी बता दें कि कितनी सीटें आज हैं और कितनी आ जाएंगी, ये इसमें अगर 100 सीट पा जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाजपा का मुकाबला ये कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, इसमें हमको लग रहा है ये 10 सीट नहीं पाएंगे, 10 सीट पूरा जवाब नहीं पाएंगे, पूरा जवाब दूंगा मैं आपकी तरह नकलची नहीं हूँ जो गूगल देख देखता रहता हूँ, पूरी डिबेट में देखता रहता हूँ, गूगल गूगल नहीं है ये, देख लीजिए ये गूगल नहीं है ना, धूपे धूप लिखता हूँ जो बोलते हैं मैं लिखता हूँ, आपको मंडी में बेच दूंगा, आप खा लेना, ये गूगल नहीं देखता हूँ बार बार, आप सुनते कहाँ गूगल देखते रहते हो, मैं आपको कह रहा हूँ यूपी में क्या होगा, अगर आपके जो नेता है अगर मोदी जी ना हारे तो मेरा नाम राज शर्मा नहीं जाओ और बोलो आप मैं अपनी मुँह से छिलवाऊंगा अगर कांग्रेस का कोई देता है मोदी जी को 2024 के चुनाव में। अरे क्यों राज जी की मुँह से राज जी की मुँहों के पीछे क्यों पड़ गए शाही जी, एक मिनट एक नहीं ये शर्त लगा रहा है तो छिलवाना ही पड़ेगा चाहे ना ना ऐसे इस विषय में मत जाइए, एक मिनट नहीं नहीं ऐसा इतना दूंगा आपको ना ना इतनी बड़ी मुँह बांध दूंगा राज जी के मूछों पर नारा शाही जी मैं आप अगर आप भरोगे आप तो कोई बीजेपी वाला छुड़ा नहीं पाएगा, मैं मूछों से बांध दूंगा बता रहा हूँ। एक ना राज जी की मूछों से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, ऐसा मत करिए है ना, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी या फिर ना हो कहा जाता था, लेकिन अब कहा जाएगा कि मुझे हो तो राज जी जैसी वरना फिर ना, आप ऐसे मतलब मत बोलिए कि मुझे हाँ शायद प्लीज एक मिनट विषय पर बताओ मेघालय में कितने विधायक हैं आपके, गूगल में देख लो गूगल में, एक मिनट राज जी विषय पर आते हैं ना, अश्वनी जी विषय ये है, एक मिनट शाहिदी विधायक है सरकार हमारी है, शाहिदी विधायक है सरकार हमारी है, एक विधायक है सरकार हमारी है, शाहिदी आपकी नहीं है वहाँ जी, शाहिदी आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी लड़ेंगे, एक मिनट रुकिए ना राज जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो इनकी हार तय है अमेठी में, एकदम राहुल गांधी जी देखिए जनता है क्या करती है मैं नहीं जानता, लेकिन आज का जो परिदृश्य है उसमें राहुल गांधी जी
या सोनिया गांधी जी या कोई भी लड़े, अमेठी में हारता है। स्मृति ईरानी जी को जनता वोट क्यों देगी, क्या लगता है आपको? एकदम देखिए, मैं मेरे पास है, मैंने वही कह रहा, राजभाई तो कह रहे हैं, भाई गूगल करता हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए बताइए सर, मालविका स्टील इन्होंने लगाया, यूपीए 2 में बंद हो गई, कताई मिल बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गई, यूपीए 2 की बात बता रहा हूं, 40 औद्योगिक इकाइयां बंद हुई। जब से हम लोग आए हैं 800 करोड़ रुपया अभी पिछले साल वहां पर वो गया इन्वेस्टमेंट आया है सिर्फ और सिर्फ अमेठी के लिए, 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमेठी के लिए आया, 800 करोड़ का जी सर, कितनी सर, एक सेकंड, अरे रुक जाइए ना, अरे बता रहा हूँ, कितनी इंडस्ट्री नई खुली है उनका नाम बता दो, अरे बता रहा हूँ सर, आप कहा, आप थोड़ा सा बीच, मैं अभी कह रहा हूँ इन्वेस्टर्स मीट में 800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वो हुई है, 431 नहीं एमओयू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ की 5 साल में आपने कितनी इंडस्ट्री अमेठी में खोली जी, हमने देखिए, हमने जो है वहाँ पर जो भी योजनाएं चालू की है वो अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है आज तक कांग्रेस, नहीं सर, पांच योजनाएं बता दीजिए, जो एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जो आपने खोली हो, वहां की जो है जमीन तो कब्जा नहीं किया हम लोगों ने सर, फैक्ट्री की जमीन, सर इंडस्ट्री कितनी खोली, मैंने ये पूछा आप, अब लग जाएगी, आज मैं कह रहा हूँ लग जाएगी, 431 की एक महीने में लगा देंगे कैसे, एकदम एक महीने में कैसे लगा देंगे भाई, हम लगा देंगे, हम लगा रहे हैं, एक महीने में लगा दोगे सर, आठ तो फिर 5 साल में क्यों नहीं लगाई आप, एक महीने हम काम कर रहे हैं उस पर, एक दिन में लग जाएगा सर, 5 साल में तो लग सकता है, खोल नहीं पाए ये लोग सर, एक इंडस्ट्री तो लग सकती है 5 साल में, अगले 5 साल में भी आप लग जाएगा, ऐसे आप करते रहेंगे, ये सवाल तो एक दिन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिनी का वो करिए और लग गया, कहाँ लगवा दिया सारी, आप जो है आप मेरे साथ देखिए, अमेठी और रायबरेली गांव-गांव में घूमा हुआ, हाँ। सारे विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव घूमा हुआ, ठीक, वहां पानी की समस्या थी, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद दूर हुई, वहां जमीन कब्जा कर लिया इन लोगों ने, एक गेस्ट हाउस, मैंने आपसे पूछा कि एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जो अमेठी में खुली हो, आपने नहीं बताया, मैं कह रहा हूँ 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां है, सर 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे, अरे कहाँ हुआ उसकी फैक्ट्री, उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ये तर्क दे रही है, एक मिनट अच्छा जी जी, नहीं कांग्रेस भाई आप ही तर्क दीजिए, मुझे अभी नहीं पता है कि कौन कौन सी फैक्ट्री एमओयू हुआ है, लेकिन 800 करोड़ अमाउंट है हमारे पास, सर रेल, एक मिनट रेल नील प्लांट, ठीक, रेल नील प्लांट कांग्रेस शासनकाल में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कांग्रेस शासनकाल में, स्टील अथॉरिटी एक मिनट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी, एक मिनट बेल चल रहा है, हाँ चल ठीक है, ठीक, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंडियन लिमिटेड, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी आई केयर सेंटर, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, इंदिरा गांधी JUIF फर्टिलाइजर, ये सब कुछ अमेठी में जो है बंद, फर्टिलाइजर बंद, मालविका स्टील बंद, चीनी मिल बंद, हाँ, कताई मिल बंद, हाँ, ये सब यूपीए 2 में लगाए थे, मैं कह रहा हूँ राजीव गांधी जी के जमाने में लगा था, हम राजभाई की तरफ थोड़ा चिल्लाएंगे, तो सर पांच आप भी तो काम नहीं गिनवा पाए कि अमेठी में आपने कौन से ऐसे 5 काम किए थे, जनता स्मृति ईरानी जी को वोट दे दे, एक मिनट हमने कितने साल रहा है वो किया, 5 साल, हाँ, तो 5 साल में 5 काम तो हो सकते हैं, फिरोज गांधी, नहीं फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, कौन गांधी, फलाना गांधी, कितने साल हो गए इन लोगों को सर, हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता ना, नहीं होता है, इतने होता साल है। में अगर इतना इन्होंने किया है इतने साल में, तो कितने साल लगे हैं, और आप 5 साल में हमसे हिसाब पूछने लगे, मैं आप बताता हूं, देखिए जो आपने याद दिला दिया मुझे थोड़ा सा, वो था जो फैक्ट्री थी ना वहां पर, किस तरीके जो आर्म्स वाली फैक्ट्री आप कह रहे हैं, वहां पर कुछ बनता नहीं था, इंसास राइफल भी शायद नहीं बनती थी, अब हम क्या बना रहे हैं वहां पर, AK-47 बना रहे हैं, कब बना है ये भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए, कांग्रेस शासन में नहीं बना था, ये लोग HAL बंद करने की स्थिति में आ गए थे, तनख्वाह नहीं दे रहे HAL का, यानी 5 HAL का पुनर्निर्माण हम लोगों ने कराया, ओके यानी स्मृति ईरानी जी की जीत पक्की है, तय है, स्मृति ईरानी जी डंके की चोट पर 50,000 से जीती थी, इस बार 1,00,000 से जीतेंगी, राहुल गांधी आ जाए, वहां की जनता तो सुकन्या के परिवार वाले गायब है आज तक, भले ही वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट से उसको पटाखे हो गया है, क्या पता इस बार 13 रुपए किलो चीनी मिल जाए, थैंक यू सर, वो तो अजय राय आए हैं बेचेंगे,
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाही जी, आपका भी, संजीव जी, परमवीर जी माफी चाहूंगा, आपके पास आना चाह रहा था, राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन राज जी की मूछों के बारे में आज के बाद शाही जी मत बोलिएगा, सब लोग मोहब्बत करते हैं राज जी की मूछों से। थैंक यू सो मच, 24 की लड़ाई अमेठी पर आई, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।